जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, दो आतंकियों के मारे जाने की खबर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। जम्मू कश्मीर की में अलर्ट मोड पर सेना, संदिग्ध गतिविधियां देखे जाने के बाद सेना ने इलाके में शुरू किया सर्च अभियान। जम्मू के सांबा से 303 राइफल का गोला बारूद हुआ बरामद। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास से स्थानीय लोगों ने बरामद की थी 49 गोलियां। बीएसएफ ने हथियार किए जब्त। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर हुई बारिश, तेज बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें हुई जलमग्न, पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। गुजरात के सूरत में भारी बारिश ने मचाई तबाही, सड़कों और घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट, अगले दो दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली हरियाणा समेत कई शहरों में बारिश आने के आसार। देहरादून में लैंडस्लाइड होने की वजह से हाईवे हुआ बाधित, बिशनपुर नेताला और सेंच के पास हाईवे बंद हुआ, राहगीरों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में भूस्खलन से भारी तबाही मची, भारतीय सेना बचाव अभियान में जुटी। पिछले दो हफ्तों से लगातार भारी बारिश की वजह से कई जगह हुए हैं भूस्खलन। गुजरात के कच्छ में भी भारी बारिश का कहर, संगमा नदी में बाढ़ के पानी में 15 मवेशी बहे। गुजरात की देवभूमि द्वारका में 3 मंजिला इमारत गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत की खबर, 5 लोगों का किया गया रेस्क्यू। चीन के हैनान में भारी बारिश का कहर, पानी में डूबा नजर आया मेट्रो स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के अंदर की तस्वीरें सामने आई। चीन में भारी बारिश की वजह से कहर, सड़कों पर ताश के पत्तों की तरह बिखरा लोगों का सामान, पानी में डूबी नजर आई तमाम गाड़ी। बजट के खिलाफ लामबंद हुआ इंडिया गठबंधन, आज सदन में होगा जोरदार हंगामा। इंडिया ब्लॉक के नेता बजट के विरोध में संसद मार्च करेंगे और संसद के अंदर प्रदर्शन भी करेंगे। उधर बिहार में पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून की तैयारी, पेपर लीक पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का होगा प्रावधान, आज बिहार विधानसभा में पेश होगा ये बिल। नीट की परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, परीक्षा दोबारा कराने से इनकार किया और कहा पर्याप्त सबूत नहीं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया, पूरी परीक्षा रद्द करना उचित नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग आज से होगी शुरू, 3 राउंड में होंगी काउंसलिंग, उसके बाद एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी होगा। नीट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार ने किया स्वागत, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा विपक्ष को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत की तीखी प्रतिक्रिया आई सामने, कहा क्या कोर्ट पर कोई दबाव है, सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है, एक आखिरी आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट की था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा परीक्षा में पेपर लीक की बात आ गई तो पवित्रता कहां रह गई, पेपर लीक हुआ है लोग पकड़े गए हैं। हिंदी गठबंधन की बैठक में आम आदमी पार्टी ने उठाया अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य पर संयुक्त बयान जारी करने की मांग भी उठाई। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 48 लाख करोड़ का बजट पेश किया, पीएम मोदी ने वित्त मंत्री और उनकी टीम को बधाई दी और बोले आर्थिक विकास को मिलेगी रफ्तार, गांव गरीब किसानों को समर्पित है बजट। बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली खास सौगात, बिहार को 26,000 करोड़ तो आंध्र के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज, नीतीश ने कहा प्रधानमंत्री का धन्यवाद। चंद्रबाबू नायडू बोले जो राज्य वेंटिलेटर पे थे उन्हें मिली ऑक्सीजन। गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को बताया विकसित भारत के निर्माण का दस्तावेज, कहा पूर्वोदय योजना से राज्यों का विकास होगा, योगी बोले आत्मनिर्भर बजट अमृतकाल का संकल्प पूरा होगा। आम बजट के विरोध में आज संसद मार्च करेंगे विपक्षी नेता, केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा कुर्सी बचाने वाला है बजट, विकसित भारत नहीं आम आदमी पर घोपा खंजर। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा बजट की सराहना करते हुए दिखे और कहा यह एक अच्छा बजट है, हमने पहले कभी इतना अच्छा बजट नहीं देखा था। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बजट को लेकर कहा भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है बजट, हम बजट के खिलाफ संसद के बाहर करेंगे प्रदर्शन, संसद के अंदर भी अपनी आवाज उठाएंगे। बजट में अनदेखी पर तमिलनाडु सीएम स्टालिन नाराज, कहा केंद्रीय बजट को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे, नीति आयोग की बैठक में नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि क्रांतिकारी बजट आया है, अंतरात्मा में झांकने के बदले दूसरों को उंगली दिखाने से विपक्ष को लाभ नहीं होने वाला, विपक्ष की संकीर्ण विचारधारा।
बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कहा आम बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। रेलवे को बजट को लेकर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में रेलवे को एक बूस्ट मिला है। इस बार के बजट में 2,62,000 करोड़ का एलोकेशन दिया गया, इसमें 1,08,000 करोड़ रेलवे में सेफ्टी को लेकर दिया गया। बजट को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर निशाना, कहा 40,000 करोड़ रुपए किस हिसाब से दे रहे हैं और बदले में इस राज्य से कितना ले रहे हैं। बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ा फैसला, नए टैक्स स्लैब में 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री, 3 से 7 लाख तक की आय पर 5% टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ाकर 75,000। सर्विस टैक्स में बदलाव से आम आदमी को राहत, सोना चांदी कपड़े जूते और कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती, मोबाइल चार्जर पर भी 15% घटी कस्टम ड्यूटी, हवाई सेवा हुई महंगी। मोदी 3.0 सरकार में रोजगार के खुले नए द्वार, 30 लाख युवाओं को नौकरी, 500 टॉप कंपनियों में पेड इंटर्नशिप का ऐलान, पहली जॉब पर 15,000 रुपए देगी सरकार, मुद्रा लोन की लिमिट हुई 20 लाख रुपए। बजट में किसानों के लिए खुला घोषणाओं का पिटारा, कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान, कृषि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर जोर, 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने की योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को बताया विकसित भारत के निर्माण का दस्तावेज, बोले ये देशवासियों के विकास का बजट, आत्मनिर्भर बजट से अमृतकाल का संकल्प होगा पूरा। अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठियां गिरफ्तार, मोबाइल आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद की गई। हिजबुल के नार्को टेरर सिस्टम के खिलाफ ईडी को मिली बड़ी कामयाबी, जम्मू से 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार, नार्को आतंकवाद मॉड्यूल को संचालित करने का इन पर आरोप, पूछताछ में जुटी है पुलिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें, ईडी ने एल्विश यादव से की 9 घंटे पूछताछ, लखनऊ में दफ्तर में अधिकारियों ने सवाल जवाब किए। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री नागर सिंह चौहान ने प्रदेश के सीएम मोहन यादव से की भेंट, मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंदिर के पास मुहर्रम के जुलूस में सर तन से जुदा के नारे लगाने का वीडियो वायरल हुआ, एक नामजद समेत 40 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। आपत्तिजनक नारों का मुख्य आरोपी आसिफ शाह ने रिपब्लिक भारत से बातचीत में बताया, कुछ लोगों ने नारे लगाकर माहौल को खराब करने की कोशिश, इस पूरे प्रकरण से सभी से माफी मांगना चाहता हूं। बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड मामले में पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी रोहित यादव के घर पर चला बुलडोजर, पुलिस ने 2 आरोपियों अंकित यादव और ओम प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया। रोहित पांडे हत्याकांड मामले में 6 नामजद आरोपियों पर 25,000 का इनाम हुआ घोषित, गैंगस्टर और एनएसए के तहत की जा रही है ये कार्रवाई। समाजवादी पार्टी नेता हत्याकांड के मुख्य आरोपी बीजेपी सभासद के घर पर चला बुलडोजर, आत्मसमर्पण न करने पर पुलिस ने कार्रवाई की। उधर मथुरा में शाह ईदगाह मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पीएसी जवान की गोली लगने से हुई मौत, बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में सिर में गोली लगने से जवान की मौत, मृतक के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। दिल्ली में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। गुजरात मुंबई समेत देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश से बुरे हालात, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने द्वारका में बाढ़ का किया हवाई सर्वेक्षण, नुकसान का लिया जायजा। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, पुलिस के जवाबी कार्रवाई में रफ्तार गैंग के सरगना के पैर में गोली लगी, लूट और हत्या जैसे 11 मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गैंग के सदस्यों को धर दबोचा, आरोपी के पास से एक सिम बॉक्स, 64 प्री एक्टिवेटेड सिम, 5 मोबाइल फोन और 1 लैपटॉप बरामद। गोंडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ, मुख्य आरोपी उदय भान उर्फ ललन सिंह अभी भी फरार। लखनऊ में झाड़फूंक के नाम पर घरों में चोरी करने वाले को पुलिस ने धर दबोचा, नशीली दवा खिलाकर चोरी की वारदात को दिया करता था अंजाम। यूपी के शाहजहांपुर में साधुओं के भेष में घूम रहे लुटेरे, जेवर दोगुने करने का लालच देकर महिला को बेहोश कर लूटे गहने, सीसीटीवी में दोनों साधु हुए कैद, पुलिस तलाश में जुटी। उधर राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी का बड़ा एक्शन, परिवहन विभाग से जुड़े कर्मी चढ़े एसीबी के हत्थे, भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर अवैध वसूली करते इंस्पेक्टर समेत 5 परिवहन कर्मियों को पकड़ा गया। सीतापुर में ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला आया सामने, चुनावी रंजिश में ग्राम प्रधान और उसके साथियों ने घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट की, पुलिस मामले में कर रही हीला हवाली। बहराइच में अर्धनग्न हालात में मिला युवती का शव, युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या की आशंका, पुलिस मामले की कर रही जांच पड़ताल।
बदायूं में संदिग्ध हालात में 6 साल के मासूम की मौत हुई, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ हादसा, एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। बिहार के दानापुर में तेज रफ्तार का कहर, दीघा एम्स एलिवेटेड पुल पर डिवाइडर से टकराई तेज रफ्तार बाइक, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत।